रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो ये लिक्विड का डेंसिटी रो दिया है आपको, एक ब्लॉक दिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इफ़ इट इज़ गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इट अंडरगोज ऑसिलेशन विद अ टाइम पीरियड टी, देन टाइम पीरियड इज ओके। तो देखो यहाँ पर कंसिडर कि इसका कुछ पार्ट पानी ये लिक्विड के अंदर है, कितना पार्ट लिक्विड के अंदर है तो एल पार्ट है, मान लो स्मॉल एल मान लेता हूँ, उसको टोटल लेंथ अगर कैपिटल एल माना तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो। तो नीचे क्या लग रहा है इसके ऊपर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, एंड ऊपर क्या लग रहा है, बाय एंड फोर्स लग रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायंसी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एम जी, एंड फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है, रो वी जी। तो ये आ जाएगा, अच्छा ये एम एम, इसको एम जी को ऐसे ही रखो, एम जी इज इक्वल टू रो वी। मतलब क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का उतना वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है, कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है। तो देखो ये एरिया एंड ये लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे दो। सपोज इफ़ वी डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट बाय वैल्यू एक्स, तो उस केस में क्या होगा, देखो कि ये पार्टिकल, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, एस एच एम परफॉर्म करने लगेगा, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगा ना। तो नेट फोर्स कितना आएगा एट डिस्प्लेसमेंट एक्स, एफ नेट विल बी एम जी माइनस बाय एंड फोर्स, राइट, क्योंकि नीचे डिस्प्लेस कर रहे तो एम जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो एम जी माइनस रो ए, पहले से कितना वैल्यू अंदर था एल, अभी कितना आ गया एल प्लस एक्स, तो ए इंटू एल प्लस एक्स इंटू जी। तो ये क्या होगा एम जी, अब देखो इक्वेशन नंबर वन में एम जी का वैल्यू है रो ए एल जी माइनस रो ए एल जी माइनस रो ए एल एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स का वैल्यू कितना आ गया उसके ऊपर, माइनस रो ए एल इंटू एक्स। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये तो आइडेंटिटी है एस एच एम का। तो अगर आप लोग रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो के का वैल्यू क्या है, रो ए एल, एंड वी नो दैट टाइम पीरियड इज गिवन एज टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ क्या होता है, एम बाई के। तो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइड बाई के इज रो ए एल। तो रो ए एल मीन्स ऑप्शन, देखो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, गलत है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो गलत है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन।